नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रियंकमल शर्मा आप सबका हमारे सपनों के प्रोग्राम में, हर सपना कुछ कहता है मगर आपका सपना क्या कहता है, इसके अंदर आप सबका दिल से मैं स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह अब भी एक नए टॉपिक के सामने, नए टॉपिक के साथ आपके लिए सामने आया हूं। आज का टॉपिक क्या है? कभी कभी हकीकत बहुत अच्छी चल रही होती है मगर सपने के अंदर बहुत भारी झगड़े होते हैं। आप सपने में सोए सोए क्या देखते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से बेहद झगड़ा कर रहे हैं, या पत्नी आपसे झगड़ा कर रही है, या किसी भाई बंधु के साथ, कोई अपने के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, बहन है या माता पिता है, किसी ना किसी के साथ जो घर में एक फैमिली में आप लोग रह रहे हैं, किसी छोटी सी बात को लेकर के। हकीकत में नहीं दोस्तों, हकीकत में सब कुछ सही चल रहा है मगर आप सपने में वो मिसअंडरस्टैंडिंग देखते हैं, वो कला क्लेश अशांति देखते हैं। इसका मतलब क्या है? तो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कभी कभी ना बहुत सारी बातों को, किसी की कोई बात को हम दिल में लेके बैठ जाते हैं। किसी ने बात कही, ना आपने उसको क्लैरिफाई किया, ना क्लैरिफाई करने की कोशिश करी, किसी क्लैरिफिकेशन में आप नहीं गए मगर वो जहन के अंदर बात पनपती रही, उसने किस चीज का रूप ले लिया, एक झगड़े का रूप ले लिया। तो झगड़े का होने का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ना कोई चीज या तो आपके दिमाग में बैठी हुई है, या कोई बात अपने परिवार को आप कहना चाहते थे नहीं कह पा रहे थे, आपके अंदर, आपके मन के अंदर एक डर था कि अगर ये बात मैंने अपने परिवारजनों को बताई या कही तो इससे कहीं अशांति ना हो जाए या इनको तकलीफ ना हो जाए। आपने उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए भी, मेरे शब्दों से मेरे अपनों को तकलीफ ना हो जाए, इसलिए वो जो बात छुपा के रखी थी ना, उसके कारण आपको डर लग रहा है। और कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन अंदर आपके थी जो आपको बहुत बड़ी घबराहट पैदा कर रही थी मगर वो हकीकत में आप कर नहीं पाए, लेकिन सपने के अंदर वो हो गई। तो इस चीज को लेकर के बड़ी कॉमन सी बात है, इस चीज को लेकर डर वाली बात नहीं, किसी रिश्ते के अंदर सचमुच कोई ऐसा झगड़ा किसी से नहीं होने वाला। इट मीन्स कि ये आपकी अपनी इनर जो सोल है वो आपको तंग कर रही है, जो सपने के रूप में आकर के आपको आ रही है कि रिश्ते हैं, रिश्तों की अहमियत को समझिएगा, रिश्तों पर विश्वास कीजिएगा, जो भी बात है कहने की आदत डालिएगा, सच्चे मन से कहिएगा, अच्छे मन से कहिएगा, आपके शब्द किसी के लिए तकलीफ वाले ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जिस तरीके से बात को हाइड करके चल रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं, इसका मतलब सपने का मतलब क्या है कि कुछ आप हाइड कर रहे हैं, जिसके कारण जब किसी ने कुछ कहा तो सपने के अंदर एक तूफान सा आ गया, कला होगी, क्लेश हो गया, अशांति हो गई। इससे बचने के लिए सबसे बड़ा क्या दोस्तों, क्या चीज होती है, अगर कोई आप किसी को सब्जी रोटी बना करके अचार के साथ खिला देते हैं, अचार भी देते हैं, सब्जी दाल भी देते हैं, साथ में अचार भी दे देते हैं, ठीक है, तो इससे जो है आपके सपने की जो नेगेटिविटी वाला प्रभाव होगा खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं आप अप्लाई करें, वो आपके मन की इच्छा है, अगर आप करेंगे तो यकीनन इसका फल मिलेगा। जो जैसे जैसे दिन निकलता जाएगा आपके मन से वो वहम डर खत्म होता जाएगा। तो आज का हमारा सपना था कि सपने के अंदर अपनों के साथ कलह क्लेश अशांति दिख रहे, उसका मैंने बता दिया कि फल क्या है, उसका कारण क्या है और उसके लिए उपाय क्या है। अब आपसे लूंगा मैं इजाजत, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात हमारे इसी चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे, नए एक सब्जेक्ट के साथ, नए एक टॉपिक के साथ, नए सपने के साथ। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।